हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज मैं देखिए अपने टेरिस पर जो है एक 10 इंची के मिट्टी के पॉट में जो है इसे लगा रखा हूँ। देखिए इसमें सफ़ेद रंग के फ्लावर्स आए हुए हैं और ये गर्मी का पौधा है जो है जाड़े में ये लगभग डारमेंसी में रहता है और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। देखिए कितना बढ़िया सफ़ेद पूरे बंच के बंच जो है फूल खिले हुए हैं, आप देख सकते हैं। जो है बस इसका यही है कि जब एक बार फ्लावर्स इसमें ख़त्म हो जाए तो इसे थोड़ा आप प्रूनिंग कर दें जिससे फिर नए ब्रांच निकले, तो उसमें जो है फिर से आप जो है नए फ्लावरिंग करता है। आप देखिए कितना बढ़िया चारों तरफ से जो है बढ़िया से फ्लावरिंग हुआ है, जो है बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये भी मेरा लगभग 5-6 साल पुराना पौधा है और बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है। जाड़े में थोड़ी ये डारमेंसी में रहता है और इसमें ना तो कोई विशेष फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है और ना ही किसी अन्य बहुत ज़्यादा खाद की आवश्यकता है। तो आप अगर इसमें कभी कभार वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद आप डाल देते हैं तो ये पौधा बहुत ही आसानी से अलाइव रहता है और बड़ा ही अच्छा लगता है। इतना बढ़िया, मैं आपको इसे उधर से इसका व्यू दिखा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग हुई है। तो आप भी अपने टेरिस पे इसे लगा सकते हैं और जो है इसका भरपूर आनंद ले सकते हैं। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस।